G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वॉशिंगटन से रवाना हुए राष्ट्रपति बाइडेन आज शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। दिल्ली में दुनिया के सबसे मजबूत देशों का महासम्मेलन, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच होंगी सदस्य देशों की बैठकें। सुबह से रात तक राष्ट्रीय अध्यक्षों के दिल्ली आने का जारी रहेगा सिलसिला। सेमीकंडक्टर बनाने की ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम का किया स्वागत। सूत्रों के मुताबिक फॉक्सकॉन के मुखिया ने कहा, भारत में नई नीतियों और सुधारों की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में बड़ा मौका। 那印度经过这几年来的一些这个发展啊，但大家都可以看到，在印度啊，时间也差不多到了。G20 समिट में शामिल होने से पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा बयान, कहा खुद को अल्पसंख्यक न समझे बांग्लादेशी हिंदू। आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगी शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। जम्मू कश्मीर की जनता से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बड़ी अपील, कहा आप आतंकियों को पनाह मत दीजिए, बाकी काम पुलिस और आर्मी देख लेगी। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज आएंगे उपचुनाव के नतीजे। घोसी विधानसभा सीट पर INDIA की अग्नि परीक्षा, सपा उम्मीदवार को कांग्रेस ने दिया है समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के साथ है कड़ी टक्कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन का विरोध करने वालों पर साधा निशाना, कहा सनातन के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा है राजनीति, सनातन सत्य है और कभी नहीं मिटेगा। जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ पत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा, आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। देश भर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मथुरा से द्वारका तक मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।